तो मैं आज ईडी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। सबसे पहला सवाल कि 16 दिन से पुख्ता प्रमाण पब्लिक डोमेन में है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है, ईडी सबको बताए। दूसरा सवाल कि पिछले 16 दिन में भारतीय जनता पार्टी को कितने समन गए, कितनी रेड हुई, कितनी उनसे जुड़ी हुई गिरफ्तारियां हुई, ये बात ईडी सबके सामने रखे। तीसरा सवाल कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते, तो ईडी ये बात बताए कि वो जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते शराब कारोबारी शरद रेड्डी से, साउथ लॉबी से 55 करोड़ रुपए लेने के नाते कब गिरफ्तार करेगी। चौथा सवाल, क्या ईडी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि साउथ लॉबी के मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी और राघव मगुंटा का क्या कोई पैसा, क्या कोई मनी ट्रेल बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी को गया है, जहां से आज मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवा सवाल, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से शराब कारोबारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उस चुनाव में हो रहे खर्चे को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मैं ये चाहूंगी कि ईडी जो रोज रोज प्रेस रिलीज देती है, जो रोज मीडिया में स्टोरीज देती है, आज हमारे इन पांच सवालों का जवाब दे। और अगर ईडी वास्तविक तौर पे भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर, उनके अलायंस पार्टनर टीडीपी पर जांच शुरू करे और उस जांच का पूरा खाका इस देश के सामने रखें।